उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव में निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुने गए मुकुल मिश्रा का शनिवार को शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान सभी नए पदाधिकारियों को भी व्यापारियों ने फूलमाला पहनाया। बिरहाना रोड के सराफा व्यापारियों ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ मौजूद भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी का गर्मजोशी से स्वागत किया। माल रोड से शुरू हुई स्वागत रैली बिरहाना रोड घंटाघर चौराहा होते हुए आचार्य नगर चौराहे पर खत्म हुई। पिछले दिनों वृंदावन में हुए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव में शहर के कई प्रतिभागी जीते हैं, जिनके प्रथम नगर आगमन पर स्वागत कार्यक्रम रखा गया था। स्वागत रैली में काफी संख्या में व्यापार मंडल के पदाधिकारी व व्यापारी मौजूद थे। इस दौरान व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष मुकुल मिश्रा ने कहा कि व्यापारी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार से पीड़ित होता है, लेकिन जब से मोदी योगी की सरकार आई है काफी स्तर तक भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है, लेकिन अधिकारियों द्वारा नए नए कानून लाकर व्यापारियों को परेशान किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार तो काम कर रही है, लेकिन अधिकारियों ने व्यापारियों को कागजों की लिखापढ़ी में उलझा कर रखा है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को ज्वेलर्स के व्यापार में हॉल मार्किंग स्वीकार है, लेकिन हॉल मार्किंग में कोर्ट सिस्टम से काफी परेशानी आ रही है, जिसको अंदरखाने में अधिकारी मानते हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि अगर इस कोडिंग व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं किया गया तो सराफा व्यापारियों के साथ मिलकर व्यापार मंडल को आंदोलन करने पर बाध्य होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के व्यापारियों ने सर्वसम्मति से जो प्यार और विश्वास दिखाया है, हम उसे तोड़ेंगे नहीं और हम संगठन और व्यापारियों के हित के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम व्यापारियों की समस्याओं को लेकर सरकार के पास जाते रहते हैं, जिसकी वजह से कई समस्याएं खत्म हुई है। अगर व्यापारियों को समस्या निजात नहीं मिला तो हम आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। 2022 चुनाव पर मुकुंद मिश्रा बोले कि हमारी कोर कमेटी तय करेगी कि चुनाव में व्यापारी किसको समर्थन देगा। स्वागत रैली में संयुक्त महामंत्री राजेश शुक्ला, प्रांतीय मंत्री राजेश गुप्ता, कर्मेंद्र पांडे, मनीष तिवारी समेत सैकड़ों पदाधिकारी व व्यापारी मौजूद रहे। इनकी आपकी भविष्य में क्या प्राथमिकता रहेगी कि इनका अत्याचार रोका जाए, इनका शोषण रोका जाए? नहीं, देखिए बहुत से, देखिए व्यापारी सबसे ज़्यादा पीड़ित भ्रष्टाचार से होता है। हम कह सकते हैं मोदी और योगी सरकार में ऊपरी स्तर का भ्रष्टाचार पूर्णतः समाप्त हो गया है। अधिकारियों द्वारा विभिन्न विभिन्न कानून ला करके व्यापारियों को परेशान किए जाने का कार्य किया जा रहा है। उसके लिए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल प्रतिबद्ध है कि वो प्रदेश के एक एक व्यापारी को भयमुक्त समाज देगा। भयमुक्त अपराधित गंदे अपराधित लोगों से नहीं, भयमुक्त उन अधिकारियों से जिन्होंने व्यापारियों को कागजों की लिखापढ़ी में उलझा के रखा हुआ है, और बाकी आपराधिक मामलों में भी कमी आई है और जो कुछ है उस पर सरकार काम कर रही है। लेकिन हम आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो जो व्यापारियों को, जैसे ज्वेलर्स व्यापार के ऊपर अभी जो एक कोर्ट लगाया है, क्योंकि हमने हमारी और व्यापारियों की हमेशा मांग है कि हमें हॉल मार्किंग स्वीकार है, लेकिन हॉल मार्किंग का जो कोर्ट सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको अधिकारी भी एक्सेप्ट कर चुके हैं पर्दे के पीछे से, लेकिन वो नहीं सुधार रहे हैं। हम मांग करते हैं कि उसमें जल्द से जल्द डिसीजन लिया जाए। नए व्यापार मंडल, उसके आगे व्यापार मंडल भी अपने सराफा व्यापारियों के साथ मिलकर संघर्ष का रास्ता अपनाएं। उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मुकुल मिश्रा जी हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या आगे की चुनौतियाँ रहेंगी और क्या उनका लक्ष्य रहेगा। मुकुल मिश्रा जी, आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, क्या कहेंगे? प्रदेश के व्यापारियों ने सर्वसम्मत से जो प्यार और व्यवहार दिया है, हम केवल उनको यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम तन मन और धन से उनके द्वारा दिए गए विश्वास को कतई भी नहीं तोड़ेंगे। इतना विश्वास है कि हम संगठन के हित के लिए और व्यापारियों हित के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। और जो हमारा नारा है, कौम पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं और ना ही मोची या हलवाई, व्यापारी सब भाई भाई। इन्हीं सिद्धांतों पे जो हमारे पंडित श्रद्धे श्याम बिहारी मिश्रा जी ने हम सब लोगों को सिखाया है, उस पर आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। व्यापारियों पर लगातार हमले होते आए, उस पर क्या आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जो भी हमले होते आए हैं, हमने डट करके सरकार के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। आगे भी अगर इससे हमें निजात नहीं मिली तो हम सरकार के पास जाएंगे, और काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। कई लूटे पकड़ी भी गई हैं, कई बाकी भी हैं, उनके लिए भी हम सब सरकार से वार्ता करें।
सर आखिरी सवाल आपसे, 2022 में विधानसभा चुनाव है, व्यापारी वर्ग किसको साथ देने वाला है? ये हमारी एक कोर कमेटी है, वो सब डिसाइड करेगी, लेकिन व्यापारी समाज जिसके साथ था हमें लगता है रहेगा, बाकी व्यापार मंडल की एक कोर कमेटी है, उस पर ये निर्णय। तो ये थे हमारे साथ मुकुल मिश्रा जी, जो साफ साफ कह रहे थे कि 2022 में चुनाव में व्यापारी जो कोर कमेटी है वो ही डिसाइड करेगी कि वोट किसको देना है। कानपुर से रिपोर्ट प्रिंट के लिए अभिषेक वर्मा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।